जब कोई पेशेंट कॉल करता है तो मम्मी ने सबको बोल रखा है कि भैया फालतू चीजों की मत हो, जी कोई रियली कोई रिक्वायरमेंट हो तभी आएगा, तो आज कोरोना वगैरह चल रहा है ये भी कोई नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया शुरू करते हैं। चलें जी, फिर हम भगवान का नाम ले लेते हैं 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो कल हम 417 पर ही थे, आई थिंक 417 कल हमने किया था, और यहीं से आगे शुरुआत करते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। तो हमने इसके ऊपर बात करी थी और इसी के ऊपर हम आगे करेंगे बात। जैसे हमने कहा कि अभी चैप्टर 4 के अंदर जो 16 से 24 तक के वर्सेस हैं वो इसी के ऊपर कि किस तरीके से कर्म को और ज्ञान को जोड़कर निष्काम कर्म योग जो कि अकर्म है वो हम कर पाए। तो ये हमने कर लिया था, तो हम आगे मूव करते हैं। जी, तो ये 418, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। जी, तो ये जो ऐसे वर्सेस आते हैं वो कई बार काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। जैसे कि एक वर्स पहले आया था कि जो रात को सोता है वो दिन में उठता है, कर्मी अलग होते हैं योगी अलग होते हैं, जो कर्मियों का सोने का समय है योगियों का जागने का समय है, तो उसको हम समझते हैं। तो कई बार लोग उससे काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि एक मेरे फ्रेंड हैं ज्ञानी हैं, वो उनका उठने और सोने का कोई टाइम नहीं है। आप दोनों का तो चलें, अविनाश का और योगेंद्र का, आप दोनों का तो डिफरेंट है क्योंकि आप शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन जो जैसे मेरे फ्रेंड हैं जैसे मेरा है, हम लोगों का नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने अपना बहुत डिफरेंट कर लिया। और ये मैं अपने जर्मनी वाले फ्रेंड की नहीं बात कर रहा, दूसरे एक फ्रेंड है जो यूके में ही रहते हैं। वो तो मैंने कहा भाई सुबह उठना ऐसा नहीं है कि वो अच्छे उसमें रहेगा, सद्गुण के अंदर है कि सुबह उठना है, तो वो कहते चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेकिन वो जो उनका कंसेप्ट था वो यही कि भाई नहीं, भगवद गीता के हिसाब से आप चलो तो वो सोने का टाइम डिफरेंट कर सकते हो आप, ये अकर्म कर्म में जैसे इसमें लिखा है। काफ़ी लोग खाली जो आइडलनेस होती है उसको कहते हैं कि हमने सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है, हमें कर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं, मैं पर्सनली लोगों से मिला हूँ, जानता हूँ, अभी भी टच में हूँ, जो कि नहीं वो काम नहीं करेंगे, अपना एफर्ट नहीं करेंगे, कहेंगे भगवान ने कहा है सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इस तरीके से कई बार लोग उसका गलत निकाल लेते हैं अर्थ, इसलिए कहते हैं कि भाई हमको गुरु के साथ में रहना चाहिए जो हमको क्लियर से बता पाए कि क्या है, क्योंकि सिर्फ एक वर्ष नहीं है, सबको इकट्ठे सब समझेंगे हम, तब हमें है कि अच्छा यहाँ पे अगर ये है तो वहाँ पे ऐसा क्यों है, अगर वहाँ पे ये है तो इसका मतलब ये जो यहाँ लिखा है इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते, इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो। और फिर जो हमने एसोसिएशन, नहीं बट ये मतलब जो बोलते हैं कि सब मेरे पर छोड़ दो, ये तो भगवान ने नहीं बोला, वो तो कहते हैं कर्म भी करो, कर्म के लिए तो बिल्कुल मान ही किया हो भगवान ने, तो हाँ ये कहाँ से बोल सकते हैं कि सब कुछ मेरे पर छोड़ो, जो 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 भी हाँ कोई बोल रहा है ये, तो ये तो नहीं है कि वो तो कर्म के लिए तो मान ही किया, कर्म तो करना ही है, अगर आप नहीं भी कर रहे कुछ तो भी कर्म तो कर ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली ये जो जस्टिफिकेशंस होती हैं, जस्टिफिकेशंस ना हो के, रीजनिंग ना हो के एक्सक्यूजेस होते हैं कि अगर कोई काम आपको नहीं करना तो आप फिर ऐसे कहते हो, और अदरवाइज तो अगर आप वाकई भक्ति भाव में लगे हो तो आपसे ज़्यादा कोई बिजी होगा नहीं, क्योंकि आपको हर जगह कर्म करने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया अब आप छुट्टी मनाओ, क्योंकि भगवान के साथ तो भक्ति आपकी हमेशा चल रही है, तो हमेशा आप कुछ ना कुछ भक्ति के लिए करोगे ही अपने।
तो ये वो लोग हैं जो कि आइडल रहना चाहते हैं या जो भी कुछ वो करना चाहते हैं, वो ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। तो अब हम ऐसे पढ़ रहे हैं आपस में मिलके, आप अगर किसी से कहोगे तो वो भी, आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, या हो सकता है आसपास ऐसे लोग हों, अभी तक बात नहीं होती थी लेकिन अब बात होगी तो अब निकल के आएंगी वो चीज़ें। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा तो नहीं लिखा भगवान ने, हमें कर्म करना है। नहीं, उसके लिए तो मैंने ये सोचा है, कोई अगर ऐसे बोलेगा ना, मैं अगर ठीक है, जो आप मानते हो ठीक है, जो मैं मानता हूँ ठीक है, आपको अगर कन्विंस नहीं कर सकता तो आप कन्विंस ना होए, आपकी जिसमें मतलब मान्यता है, मैं आपको चेंज नहीं करने आता, बिल्कुल लेट इट रिमेन लाइक दैट। जी हम जी किसी को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे, हमको ये मतलब मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं है, वे किसी को फोर्स करेंगे तुम इस चीज को पढ़ो उसको पढ़ो, इफ यू डोंट लाइक टू रीड इट डोंट रीड बिल्कुल इट। हाँ हमने जी तो खाली अपनी बात बोली है, अगर आपको नहीं सकता आप मतलब उसको मतलब मत करो, इसने किसी को फोर्स थोड़ी किया है करने के लिए, ट्रू वेरी ये तो चीज मतलब लिखी हुई है, इसकी बात मतलब हम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी अच्छी नहीं लगती, इट्स ओके। द बिल्कुल थिंग इज कि आप मतलब किसी को एक दिन में उसको कन्विंस भी नहीं कर सकते ना यार। सबसे बड़ी हाँ बात तो ये भी है ना कि यार मतलब एक दिन बात की है अपने, मतलब 1 घंटे बात की और आप उसे कन्विंस कर दो कि जो जीता मिलेगा सबसे सब सही है, तो लोग नहीं मानेंगे, 90% बिल्कुल लोग नहीं मानेंगे, नहीं कहेंगे जी मानेंगे, नहीं लोग मान भी गए हैं तो कुत्ते की पूछना 4 दिन बाद फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर हाँ इंद्रजीत फिर आ जाएगी, इसलिए किसी को मनाने का फायदा नहीं। कितने दिन मना लोगे, 4 दिन 5 दिन 7 दिन? आपको कोई पीछे फायदा ही श्लोक नहीं आया तो है। था कि किसी को विचलित करने की जरूरत नहीं है, जिसका जो मन करे करो, हाँ जब जी बुरा टाइम आएगा अपने आप भगवान कह जाएगा कि भगवान बचा लो भगवान बचा लो। और ऐसे टाइम में ही स्वामी विवेकानंद ने भी, जब उनको माँ काली ने दर्शन दिए मेडिटेशन में, तो जी उन्होंने पूछा कि माता मेरे को इतने दुख क्यों दिए, क्यों इतने दुख दिए, इतनी गरीबी क्यों दी, एक टाइम का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, क्यों ऐसा करा? तो माँ ने उसको रिप्लाई किया कि अगर मैं दुख ना देती तो तू मेरा ध्यान में बैठता, मेरे पास आता, कभी ना आता। ये सब हर एक बंदे के अपने अपने रास्ते होते हैं जर्नी के आने के। मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, इसलिए आप सुन रहे हो, मेरा रास्ता अलग है इसलिए मैं सुन रहा हूँ, हर एक के अलग अपने अपने रीजनिंग सब कुछ होते हैं, जी इसलिए चलो। बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ का है कि हमको बात तो करनी चाहिए, जैसे भगवान ने कहा कि जो है उन्हें विचलित ना करो। विचलित यही है कि किसी को आप पुश ना करो, पुश ना करो, किसी के साथ में झगड़ा ना करो, लेकिन हाँ ये है कि बात करनी चाहिए। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर हम, हमारा जो सनातन धर्म हम जिसे कहते हैं, अभी वही वाली बात है कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कि जैसे क्रिश्चियंस हैं मुस्लिम्स हैं, वो दूसरे रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन में लाते हैं, और हम हिंदुओं को, हमको अपने ही लोगों को जो हिंदू हैं उन लोगों को ही हिंदू धर्म के बारे में बताना होता है। यार मैं ना अपने घर का क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं मतलब किसी और की बात नहीं, हमारे घर में रामचरित मास का पाठ बहुत रहा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी आज तक गीता के बारे में बाबा हो या पापा हो या कोई भी हो, किसी ने, गीता थी घर में, जी किसी ने आज तक एक श्लोक भी नहीं बताया कि यार तुम इसको पढ़ने की कोशिश करो, बिल्कुल क्यों नहीं किया? जी ये तो एक्चुअली हमारे, एक्चुअली द थिंग इज, जब तक आप अपने घर में ही स्टार्ट नहीं करोगे, आपके बिल्कुल घर में ही जब वो कहेंगे यार तुम गीता पढ़ के ना, तुम लोग लोग मतलब झगड़ा करते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं, सब विरक्त हो जी जाते हैं, हाँ इन जी लोगों जी के बोल, बिकॉज हमारे लोगों ने समय पढ़ा ही में नहीं। इंद्र तृप्तिया की बात और इनकी बात नहीं हो रखी है ना, या हो रखी है उसमें भी? रामचरितमानस में इंद्र तृप्तियों की बात हो रखी है? कुछ इंद्र नहीं हो रखी, वो तृप्ति तो बुद्धि खाली आसक्ति अटैचमेंट अटैचमेंट कुछ हो रखा है, राग द्वेष? ये हुई नहीं, इसकी बात है ही नहीं। द थिंग इज की बस कहने वाली बात है ना कि हमारे साइड रामचरितमानस का पाठ होता तो हम जिंदगी भर उसी का पाठ करते रहे। हाँ एक बार भागवतम का हुआ था गांव में, मतलब मुझको मतलब ध्यान है वो 7 डेज का मतलब कराया था बाबा ने, बट गीता का तो कभी उन्हें ना कभी जिक्र किया, ना पढ़ाई की, ना कुछ की। तो जब घर में ही आपके पास वो चीज नहीं है, और आज किसी को आप कन्विंस करने के लिए जाओगे, कहेंगे यार ये तो बेवकूफ मतलब वाली बात कर रहा है। तो द थिंग इज कि जो 50 60 70 साल से वही पढ़े जा रहे हैं, जिनको आगे पढ़ने का वो है ही नहीं, तो कहाँ से कन्विंस करोगे आप उनको?
करना योगी सर मैं तो कन्विंस करूंगा नहीं, चाहे लोगों ने कन्वर्ट होना तो हो जाए, पहले हो जब तक जाए। मैं अपनी इंद्रतृप्तियां निकल लूंगा मेरा क्रोध खत्म नहीं होगा। मैं कैसे, जब तक मैं खुद दारू पी रहा हूँ तो कैसे लोग को बता दूंगी भाई दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो यार, मैं नहीं सही बता बात है। पाऊंगा। मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ भाई, पहले मैं खुद अपने पे कर लूँ उसके बाद मैं दुनिया का, जैसे वरुण भैया का कहते हो काफी हद तक वरुण भैया कहते हैं मेरा गुस्सा आना बंद हो गया है, मैंने 2 टाइम ही खाना खाया, 2 रोटी खाई, उन्होंने पेस पे भी कंट्रोल कर लिया, उन्होंने गुस्से पे भी कंट्रोल कर लिया, आंखें भी उनकी भैया भगवत गीता की तरफ ही जाती है, मन भी कृष्ण की तरफ जाता है, इस्कॉन की तरफ जाता है, उनका फिर भी क्या चलो 70-80% कंट्रोल कर रखा, मेरा तो 20-25% कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं क्या कैसे है लोगों उसका को समझा। तरीका, क्या है नहीं उसका, उसका मैं ये सोचता हूँ उसका उसका बस तरीका यही है कि अपने बच्चों को तो हम बता सकते हैं चीज ना, उनका जो मतलब मेरा हक दिमाग है बनता है, वो। मेरे बच्चों में मेरा हक बनता है, बट मेरा दुनिया के यार हाँ दोस्त सही ऑफिस बोला, वाले सही बोला इनको एकदम, मैं भैंस करूंगा ना, मैं वो खुद अपने कंप्लीटली मन को सारी, गंदा करूंगा। यू कैन यस नॉट सारी विन एन बोला। आर्ग्यूमेंट विद एनी पर्सन, दुनिया का एक बंदा लाओ जो आर्ग्यूमेंट में बोला मैं जीता हूँ। सही बात कह रहे हो, सही बात बोल रहे हो, क्योंकि थिंकिंग हम अपने बच्चों को बता सकते हैं भाई तुम ये करो वो, क्योंकि वो शायद हमारी बात को ना भी काटे बट कोई इतना आपके बोल लिए। दूंगा दुख में आएगा मेरे पास रोते रोते, मैं बड़ा परेशान हूँ उसको, इतना बोल दूंगा चला भाई तू परेशान है, तो अर्जुन भी परेशान था चला भगवत गीता पढ़ते हैं, एक एक करके श्लोक, जैसे भैया पढ़ रहे तुम मेरे साथ पढ़ ले, दिन में आधा घंटा या 1 घंटा आ जाए घर, पहले श्लोक से पढ़ना शुरू कर, मेरे को जितना आता है जितना मैं वरुण भैया से सीखा है जितना खुद का उसको मैं ज्ञान को आगे बांट करके उसको बता सकता हूँ, बट मैं उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। तो भगवदगीता पढ़ता रहेगा एक एक श्लोक पे, एक एक श्लोक पे अज्ञान जाता रहेगा, अंधेरा जाता रहेगा, ज्ञान आता रहेगा, वो क्या कहते हैं रोशनी आती रहेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ भैया रोज मुझसे पूछते हैं क्या कोई नई एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस में क्या एक्सपीरियंस होता हूँ, रोज मैं क्या एक्सपीरियंस होता हूँ, डे बाई डे सब कुछ ठीक हो रहा है भैया, एवरी डे माई आंसर विल बी दिस ऑन। वेरी नाइस, नहीं बहुत अच्छा विनाश, और बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ें चेंज होती हैं, और बस ये है कि कोई भी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ बहुत अच्छी बोली कि भाई हमको अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, घर से भी पहले अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि हम अगर जैसे मैथ्स है फॉर एग्जांपल, गणित मैथ्स है, मैथ्स में हम मैथ्स के पीएचडी स्कॉलर नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम अपने बच्चे से ज़्यादा मैथ्स जानते हैं, राइट? तो हम बच्चे को मैथ्स पढ़ा सकते हैं, या हो सकता है कोई नेबर में है उससे ज़्यादा हम मैथ्स जानते हैं, हो सकता है उसका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर हमें नहीं पता, अगेन क्योंकि हम पीएचडी स्कॉलर नहीं है मैथ्स के अंदर, राइट? लेकिन ये है कि डेफिनेटली हम उनसे बेटर हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ये माने कि हम उनसे भी बेटर नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई कहे कि भाई ओमान से हमको दुबई जाना है, या अबू धाबी से दुबई जाना है, या दिल्ली से आगरा जाना है, तो हम कहें कि हाँ हम गए हैं, पहले गए हैं, हमें रास्ता नहीं याद, लेकिन हमें मालूम है अगर आप इधर से जाओगे ऐसे ऐसे जंक्शन हैं आप जा सकते हो, मैं आपके साथ भी नहीं जा सकता लेकिन मैं पहले गया हूँ तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, राइट? उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई सुपीरियरिटी है, लेकिन आप रास्ता बता सकते हो। एक और चीज़ कि आप कभी गए ही नहीं, कभी नहीं गए आप उधर की तरफ, फिर आप ये कह सकते हो, जैसे कि लंदन, मानो आप कभी लंदन गए ही नहीं, फिर आप ये कह सकते हो भाई मैं लंदन नहीं गया लेकिन मेरा कोई एक दोस्त लंदन में रहता है, मैं उससे पूछ के आपको बता सकता हूँ, राइट? अभी मानो ना आप कभी लंदन गए, ना आपको कोई लंदन में जानते हो, लेकिन आपने कभी न्यूज़ के अंदर ये पढ़ा कि हाँ भाई लंदन के अंदर या दुबई से लंदन की इतनी फ्लाइट्स जाती हैं, या आप उसमें काम करते हो इसलिए आपको मालूम है, तो भी आप बता सकते हो। सारे डिफरेंट डिफरेंट एनालॉजीज का, एग्जाम्पल्स का मकसद क्या है कि अगर हम ये वेट करें कि हम 100% हो जाएं और तब फिर हम किसी की हेल्प करेंगे, तो ऐसा बहुत कम चांसेस हुए, बहुत कम, कि हम ये सोचें कि हमारी भैया हेल्प मांगने अलग ही करूंगा ना, जिसने हेल्प मांगी नहीं उसे कैसे हेल्प करूंगा, उसकी जो कैसे आगे जी ना बोले मैं परेशान हूँ कब हाँ मैं बोलूँगा भैया, बिना ऐसी सबको गड़बड़ रह के बोलता रहो हाँ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ जी, नहीं मैं ऐसे में पता है जब कैसे हेल्प मैंने भी मिलनी आपको फोन चाहिए। किया ना एक बार मैं परेशान था, मैंने आपको फोन किया ना, जी यू जी गिव मी, मैं कितना परेशान था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल जी, नहीं ऐसे में वही जो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर कोई अंधेरे में है उसको मालूम ही नहीं, जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा कि कस्टमर को मालूम ही नहीं होता उसको क्या चाहिए जब तक हम उसे दिखाते नहीं है,
तो हम कहते हैं आप किसी को ऐसी ऊपर से कहो कि भगवत गीता पढ़ेंगे, बड़ा नहीं यार, बड़ा बोरिंग है ये, राइट? लेकिन जब आप उसके अंदर बात करना शुरू करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू में उसे लगेगा उनको कि ये बोरिंग है, लेकिन बाद में उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वाइट पॉसिबल, ऐसा ऐसा हो सकता है, और ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं हमने। तो आपको ऐसा नहीं है कि, और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है ये जितने भी 6 या 8, मतलब 4 हम कहते हैं, फिर 6 हैं, फिर आगे जाके 8 है, जो हमारे अंदर बुराइयाँ होती हैं जैसे काम क्रोध मद मत्सर, ये ज़रूरी नहीं है हमारी सारी जा चुकी हैं तब हम लोगों के पास में जाएं। लेकिन ऐसा है, हमको ये पता लग चुका है कि ये चीज़ें जानी चाहिए, और वो बहुत अच्छा हमारे लिए स्टार्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम कर्म करेंगे और फल की इच्छा नहीं करेंगे। उसको हम स्पिरिचुअलिटी में कैसे उतारेंगे कि हम अगर किसी को कहेंगे कि चलो, जैसे ऑफिस के अंदर, चलो यार लंच टाइम में हम भगवद गीता पढ़ेंगे, तो वो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, नहीं आया कोई नहीं, क्योंकि वो आए या ना आए वो तो फल है। लेकिन आपने कर्म किया, पूछा, आपने पढ़ा, वो आपका कर्म है। आए ना आए, किसी और को ये रियलाइज ही नहीं है कि वो अंधेरे में है और आपके पास रोशनी है, तो आप खुद ये फील करोगे कि भाई यार वो दुखी है बेचारा और वो अंधेरे में बैठा है, उसको बेचारे को मालूम ही नहीं वो अंधेरे में बैठा हुआ है, राइट? लेकिन जैसे आपने बात करी कि जब उसको गिरेगा तब उसको पता लगेगा, तो तब तक कई बार काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन वो भी एक टाइम है। इसलिए ये है कि वो भी सही है, वो भी सही है, इसमें आप किसी को कोई जज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ा, हम खुद पढ़ रहे हैं, है ना? फिर क्या होगा, फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारे क्लोज हैं, वो पढ़ेंगे। आप मॉर्निंग में एक टाइम निकालोगे, इवनिंग में एक टाइम निकालोगे, या जो भी आपका शेड्यूल है, एक टाइम एवरी डे आपका है, चाहे आप सिर्फ 2 मिनट निकालो, चाहे एक वर्स पढ़ो, आप जितनी मर्जी नींदों में हो आप एक वर्स पढ़ सकते हो। एक वर्स एक लाइन का है या 2 लाइन का हो गया, कुछ ना पढ़ो, तात्पर्य भावार्थ पढ़ो, सो जाओ फिर। लेकिन कैलेंडर में मार्क करके कि जिस दिन मिस कर दिया उस दिन आप कैलेंडर में मार्क करोगे कि एवरी डे कम से कम इतना करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप की, चलो एक की जगह 2 करेंगे, या अगर आप तात्पर्य पढ़ना चाहते हो तो एक का भावार्थ और तात्पर्य कम से कम पढ़ेंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस जब रहेगा ना, फिर आपने किया, फिर आपके साथ में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने किया, फिर आप देखोगे धीरे धीरे जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर भी ये बात उठेगी। कैसे उठेगी, जब बर्थडेज होंगे, बर्थडेज के अंदर आजकल काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बच्चों के साथ में पजल्स खेलते हैं, तो वो सारी भगवान से रिलेटेड होंगी। अगर सारी नहीं होंगी, 4 एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें से एक एक्टिविटी होगी, फिर धीरे धीरे 2 एक्टिविटी होंगी, धीरे धीरे 3 होंगी, 4 होंगी। आपके बच्चे को आपको पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको पता ही नहीं लगेगा कब उसका सारा का सारा जो मटेरियल जीवन था वो स्पिरिचुअल हो गया, जो भौतिक था वो आध्यात्मिक हो गया। धीरे धीरे उसे नहीं पता लगेगा, जैसे बच्चे को नहीं पता लगता घर में कि वो इंग्लिश सीख रहा है या हिंदी सीख रहा है, वो तो बड़ा हो जाता है, दूसरों को दूसरी लैंग्वेज सीखता हुआ देखता है, तब कहता है अरे हमारे घर में ये बोलते हैं इसलिए मैं सीख गया। तो हमारी लाइफ ही ऐसी हो जाएगी, हमारी खुद की लाइफ एक एग्जाम्पल बन जाएगी। और अगेन, हम परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होंगे, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, तो लेकिन हाँ हमको करना चाहिए। और अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते तो बिल्कुल उसके अंदर कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, अपने ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए। लेकिन जब भी मौका मिले, क्योंकि एसोसिएशन रखनी बहुत ज़रूरी है, आप 60% पे हो, कोई 40% पे है, या कोई 70% पे है, दोनों साथ में मिलेंगे तो 60, 70, 50 आगे बढ़ सकते हैं। अगर 60 वाला अलग रहे कि 100% होऊंगा तभी 40% वाले के पास जाऊंगा, या तभी 70% वाले के पास जाऊंगा, तो आप अकेले हो फाइट के अंदर, कोई और साथ में होगा आपका, चाहे आपसे नीचे हो चाहे आपसे ऊपर हो, लेकिन सपोर्ट मिलती है, मॉरल सपोर्ट मिलती है उसके अंदर। इसलिए ट्रू, नो डाउट, नो डाउट। कोई भी चीज़ देखो उसके अंदर संघ, एसोसिएशन, बुद्धिज्म देखो, इस्लाम के अंदर आप देखो घर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे संगा करने जाते हैं एवरी फ्राइडे, क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई स्टैचू नहीं है, कोई मस्जिद के अंदर कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअलिटी चीज़ नहीं है जो कि स्थापित की गई हो, क्यों फिर भी वहाँ पे एवरी फ्राइडे मिलना होता है? सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो रिचार्ज हो जाते हो आप जब वहाँ आप ग्रुप के अंदर जाते हो। बुद्धिज्म में भी ऐसे ही है बिल्कुल। तो चलिए बहुत अच्छा है, इसी से हम आगे चलते हैं, कर्म और अकर्म। इसमें एक ये भी है कि हम ये ना सोचें कि भाई हम सब कुछ छोड़ के अकर्म करने लग जाएं, हम सब कुछ छोड़ के कोई काम ही ना करें,
और ऐसा भी ना हम सोचें कि कोई काम नहीं कर रहा तो हम सोचें वो भक्ति में नहीं है। जैसे कि अगेन जनक महाराज का आता है कि वो राजा थे, उनको कोई देख के कहेगा यार ये तो इंद्रिय तृप्तियों में पूरी तरीके से होगा, राजा है ये, राजा तो होगा ही होगा। ऐसे हो सकता है हम किसी बिजनेसमैन को देखें और कहें ये तो भक्त हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें नहीं मालूम, हम नहीं कह सकते क्योंकि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनकी मनोस्थिति क्या है, उससे डिपेंड करता है राधर देन हम जो बाहर से उनको देखते हैं या बाहर से वो जो कपड़े पहनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टेम्पल में जो लोग कपड़े पहनते हैं इसका मतलब वो सारे के सारे शुद्ध हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है क्योंकि हम उस तरीके के कपड़े पहनेंगे तो कोशिश ही रहेगी। एक बहुत अच्छा है, मैं चर्च में गया था और वहाँ पे मॉर्मन्स की चर्च थी, वो मॉर्मन्स अमेरिका से निकले हैं और वो भी एक ऑफ शूट मानते हैं उनको और बहुत अमीर हैं वो, बहुत अमीर। तो उनकी चर्च में मैं गया और रेगुलर जाता था मैं, और वो मेरे घर भी आते थे, मतलब जहाँ मैं रहता था पहले जब मैं बैचलर था अपना स्टूडेंट लाइफ के अंदर। तो वहाँ पे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई, और वो यंग थे, मतलब मैं भी यंग था वो भी यंग थे, स्टूडेंट थे, ट्वेल्थ के बाद निकले हुए हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई आपने ये सूट क्यों पहन रखा है? तो उनका जवाब था, और डिफरेंट जवाब थे लेकिन एक जो जवाब था वो मेरे को हमेशा याद रहा कि टू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पब्लिक, मतलब कि ये सूट को देख के हमारे पास हमको जो हम जिन्हें अट्रैक्ट करेंगे ना वो उसी तरीके के लोग होंगे जिनको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मतलब कि अगर मैं धोती पहन के बाहर जाऊं तो चांसेस यही है मेरे से जो बात करने आए गए या पजामा या कुर्ता, उन लोगों को मालूम है, वो मेरी ड्रेस को देख के समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये इससे कुछ रिलेटेड होगा बंदा। और ऐसा होता है, मेरे ऑफिस में एक बंदा मेरे पास आया और ऐसी बात करने लगे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई आपको, हमारी तो कभी बात हुई नहीं तो आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई मतलब मेरे से क्यों आपने ये चीज़ पूछी, हम चार लोग वहाँ पे खड़े थे। तो वो मेरे को कहते कि पता नहीं मुझे लगा कि आप भगवद गीता पढ़ते होगे। हाँ, उन्होंने मेरी कंठी देखी गले के अंदर, कहते आपने तुलसी मारदा पहनी है तो मुझे लगा कि आप भगवद गीता पढ़ते होगे। मैंने कहा बहुत अच्छी है, वो आज की डेट में मेरे से कनेक्टेड है, भगवद गीता का डिस्कशन होता है हमारे बीच में। तो सुपरफिशियली बाहर से जो आपकी ड्रेस होती है अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है। मैं मस्कट गया था और मस्कट के अंदर भी यही हुआ था, मैंने किसी एक को देखा था, उन्होंने कंठी पहना पानी हुई थी तो मैंने उनको देखा, वहाँ से जो मैं कनेक्ट हुआ था। आज की डेट के अंदर बहुत सारे भक्त हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर में हूँ जिनसे कनेक्ट हूँ सिर्फ वो कंठी माला देख के, राइट पब्लिक आपसे अट्रैक्ट होती है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आप क्या पहन के जाते हैं। तो कहने का लेकिन मतलब यही है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते सिर्फ उसके पहनावे की वजह से, लेकिन हाँ पहनावा जगह जगह पर बहुत ज़रूरी होता है। तात्पर्य में कोई ऐसी बात जो हम डिस्कस करना चाहें प्लीज़? उसी अगर अगली एक मिनट दूसरे रूम में आ गया आप अगले भी चलो, दोनों श्लोकों का मैं तात्पर्य करके बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, तो 419 हम करते हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उधम इंद्रियां तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञान समझना समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसे कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्म सात कर दिया। तो यहाँ पे अगेन ज्ञान और कर्म को मिलाने की बात हो रही है, पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को, कर्मों को नहीं कर्म फलों को, कि मतलब फलों की जो इच्छा है उसको जला दिया है, फलों की कोई इच्छा नहीं है। और अगर आप देखें तो कहाँ पे ये बात हुई थी कि दो तरीके के हमको प्रॉब्लम होती हैं, एक जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो मिल जाए जैसे कोरोना वायरस, दूसरा जो चीज़ हमको चाहिए वो हमको ना मिले, जो चीज़ नहीं चाहिए वो मिल जाए और जो चीज़ चाहिए वो ना मिले, ये दोनों तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर आप सोच के देखें तो इससे बाहर शायद कोई भी चीज़ नहीं। तो इससे हम यही समझ सकते हैं जो हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि इंद्र तृप्तियों की कामना नहीं होनी चाहिए, और जिसमें नहीं है ये वो पूर्ण ज्ञानी है। धीरे धीरे हम
इसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं अगेन, पहले बहुत इस बारे में बात हो चुकी है, धीरे धीरे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आएंगे, किस तरीके से ऐसे होगा। जैसे हमने गुस्से की बात करी थी कि गुस्सा कैसे आएगा, कोई चीज़ हम डिज़ायर करेंगे तो गुस्सा आएगा, तो वहाँ से हम आए हैं इंद्र तृप्तियों पे, कि कोई भी हम डिज़ायर कोई भी इच्छा करेंगे तो वो इच्छा जो भी होगी वो हमारी इंद्र तृप्तियों की ही इच्छा होगी। सोच के देखें, कोई भी इच्छा आप करें या आपके करने वाले आपके आसपास के जो लोग हैं वो करें, वो इच्छाएं सारी ऐसी हैं जो कि इंद्रियों से रिलेटेड है। कोई भी कभी कोई चीज़ मांगता है तो कभी कभी हम कहते हैं कि भाई अच्छा ऐसे कोई चीज़ मांगो जिसके अंदर आपकी इंद्रियां ना लगी हो, इंद्रियों का यूज़ ना हो, सेंसेस। तो हम ये घर पे एक्सरसाइज करते हैं कभी बच्चों के साथ में, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, कभी करके देखें घर पे, कि वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, कोई इच्छा ही नहीं बचती उसके बाद में। कि कोई भी जैसे बर्थडेज वगैरह आते हैं, हम कहते हैं हाँ चलो बर्थडे गिफ्ट देंगे, लेकिन ऐसा कोई गिफ्ट, अभी आर्यन का गिफ्ट आया था, बर्थडे आया था, कि ऐसा कोई गिफ्ट मांगो जिससे आपको ये पांच इंद्रियों का कोई कनेक्शन ना हो। तो सारी की सारी धीरे धीरे पूरी लिस्ट बनाई उन्होंने, धीरे धीरे वो सारी कट ऑफ हो गई कि कोई चीज़ ही नहीं बची, फिर ऐसे रियलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से धीरे 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 हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर जब वो चीज़ देखते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसके अंदर इन सारी ये जो ज्ञान हम भगवद्गीता का ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो व्यवहारिक रूप पे वो कैसे आता है और हमारी लाइफ में कैसे परिवर्तन आता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो इसका कोई तात्पर्य, अगर आप, छोटा तात्पर्य है बहुत। अरे मैं कुछ खास नहीं है, एक तो पिछले का तात्पर्य में जाऊंगा, पिछले में क्या कर्म में अकर्म देखो और जी अकर्म में कर्म देखो, मतलब कि अपने अंदर सात्विक गुण लाओ और कोई ईगो ना हो, किसी चीज का भेदभाव ना हो, और इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कि हमें कर्म क्या करना है। अगर आपका ज्ञान नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है। ये बिल्कुल पिछले श्लोक का है और इस श्लोक का जो आपने बताया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट बताया कि कर्म में नहीं बल्कि हमें कर्म फलों को हमने अग्नि में भस्म करना है, कर्म करने ही करने हैं, जी और कर्म हर एक बंदा कर रहा है। अगर कोई साधु बैठा है, कोई कोई महात्मा बैठा है, अगर वो मेडिटेशन कर रहा है तो आंख बंद करना, बैठना, ध्यान लगाना, वो भी एक कर्म है। आप उसको ये नहीं बोल सकते वो तो कुछ नहीं कर रहा कि खाली बैठ के जाके, उसको भी यहाँ पे कर्म ही बता रखा है भैया। नेक्स्ट 4.20 जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और यही हमने कहा कि हम किसी को देख के कह नहीं सकते कि वो भक्ति भाव में है कि नहीं है, सिर्फ उसको देख कर, क्योंकि हमें नहीं मालूम उसकी इंटेंशन कहाँ है, उसका भाव कहाँ है। अब हम 4:20 में देखेंगे, यहाँ निष्काम कर्म की और बात होगी, और फिर अगले चार के अंदर डिटेल के अंदर ये बताया जाएगा कि जो निष्काम करते हैं, जो सिद्ध होते हैं, किस तरीके से वो साधक काम करते हैं इस ज्ञान को यूटिलाइज करके। तो 4:20, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई साकाम कर्म नहीं करता। अरे देखें गजब है कि आसक्ति छोड़ दी, राइट, कोई कर्म फल की इच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कर्मों में व्यस्त है। ऐसा नहीं कि कर्म फल की इच्छा छोड़ दी तो कर्म खत्म हो गए, नहीं, कर्मों में फिर भी व्यस्त है, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप वो सकाम कर्म नहीं है, वो अकाम कर्म है। तो ये निष्काम की बात हो रही है कि कर्म में व्यस्त हो लेकिन फलों की इच्छा से निकल गए। जी इसके अंदर तात्पर्य में कोई चीज़, सही बताया कि वही आसक्ति रखनी है, त्याग करना है, संतुष्ट रहना है, स्वतंत्र रहना है फलों से, सब कुछ वही। जी जी बिल्कुल। ये मेरे साथ में शिवानी बैठी हैं और ये मेरे को बार बार याद दिला रही हैं कि आप ही मत बोलते रहो, बाकियों को भी मौका दो प्लीज़। तो योगेंद्र आप बोलें प्लीज़, ऋषि आप बोलें, मम्मी जी आप भी प्लीज़ बोलें कुछ। इसको बोलो बेटा, सबसे ज्यादा पापा नहीं, सबसे ज्यादा मैं बोलूँ तुम्हारे तो आज है। अगर 10 दिन पहले आई होती तो बोलती कि पापा को कोई कुछ बोले नहीं। हाँ
चले हम आगे आगे पढ़ें। वाला मैं बोलता हूँ, ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो हमने जैसे कहा ये चार वर्सेस जो आएंगे 21, 22, 23, 24, इसके अंदर वो कैसे ऐसा ज्ञानी जो अकर्म करेगा, निष्काम कर्म योग में लिप्त होगा, वो कैसे कर्म करेगा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से कंप्लीट से संयमित मन से, मतलब बैलेंस स्थित प्रज्ञ, ये नहीं कि जबरदस्ती हो रहा है, ये अपने आप ग्रेजुअली ट्रांसेंडेंटल, मतलब तीन गुणों के आप ऊपर उठ जाओगे आराम से, धीरे धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती कोई खिंचाव नहीं। ये बिल्कुल वही कि अगर ज्ञान आ गया है, इसके अंदर एक जो अच्छा एग्जाम्पल शायद पहले यूज़ किया हो कि अगर रात को आपके घर में चोर आ रहा है या आ गया है, तो आपको उसे भगाने के लिए सिर्फ उठना है। जैसे ही चोर को ये पता लगेगा कि आप उठ गए, तो आपको उसको भगाने की कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो ऐसा है कि हमको धीरे 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 अपने आप को भक्ति भाव में जब लगाएंगे, तो ये बाकी सारी आसक्तियाँ हमें छोड़नी नहीं पड़ेंगी, ये अपने आप ही छूट जाएंगी। कि जब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, तो अपने आप ही आपका मन करेगा कि चलो भगवत गीता उठा के पढ़ें या भगवान के बारे में और देखें, क्योंकि जो बात हो रही है वो आपसे रिलेटेड हो रही है। टीवी में जब हम सीरियल देखते हैं, तो वो किसी और की बात हो रही है और वो वर्चुअल है, वो सब झूठ है, वो नाटक है, मनोरंजक के रूप में बना रखा है। लेकिन भगवद गीता के अंदर जो बात हो रही है वो बिल्कुल आपकी बात हो रही है। तो आप क्या चाहते हो, और आपकी बात हो रही है, ये नहीं कि आपकी बात हो के आपको कोई नीचा दिखाने की बात हो रही है, आपके कोई बुराई हो रही है, आपको ये करके, जैसे कहा कि भाई काफ़ी लोग ऐसा सोचें कि भाई महाभारत हो जाएगी घर के अंदर, गीता पढ़ोगे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी अगर ऐसा होगा तो, और मुझे पर्सनली भी ऐसा कहा गया। तो लेकिन धीरे 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 आपको पता लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसे तो पढ़ेंगे तो कर्म की तरफ होगा और आपकी फलों से इच्छा होगी, तो आप अपने आप ही सीधे सीधे मुक्त होते चले जाओगे और सुखी होते चले जाओगे। तो संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे समाप्त, मतलब कि ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कोई आपकी, आप ये मानोगे ही नहीं आप किसी चीज़ के स्वामी हो। तो और ये अगेन धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, ये भी बुद्धिज़्म का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि वहाँ पे वो मेरा नहीं यूज़ करते, जैसे काफ़ी लोग हम भी यूज़ करते हैं, ये हमारा है। अच्छा ओके जी। शिवानी फिर से भैया मैं बोलिए। बोलूँ कुछ शिवानी के लिए बोलूँ मैं कुछ। हाँ जी प्लीज सुनिए आप। भैया इसमें तात्पर्य में तो नहीं मर्ड वो मेन श्लोक में संयमित मन और बुद्धि से कार्य करने की बात कही है। अगर हम पिछले चैप्टर की तरफ चले जाए, थर्ड चैप्टर कर्म योग की तरफ, तो वहां पे बताया था कि सबसे नीचे शरीर है, शरीर से ऊपर है इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि को इंटेलेक्ट माइंड भी कह सकते हैं, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। ठीक है, तो जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट माइंड है, वो दोनों तरफ से फीडबैक लेता है, मन की तरफ से भी फीडबैक लेता है। मन कहता है ये कर वो कर, सेंसेस कहती है ये खा, यहाँ पे जा, इसको हाथ लगा, डिस्को में इधर जा, जो भी कहती है, खाना कहता है ये चीज खा, कान कहते हैं ये चीज सुन। बट आत्मा कुछ और कहती है, आत्मा उसको एक बताती है कि जो मन कह रहा है ये गलत है। तो बुद्धि द इंटेलेक्ट माइंड जो है वो टू वे फीडबैक लेता है, आत्मा से भी फीडबैक लेता है और मन से भी फीडबैक लेता है। जब आत्मा हावी हो जाती है और मन स्टेबल हो जाता है, बुद्धि से मन को स्टेबल कर सकते हैं, तब वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है, बेसिकली बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, मन नहीं है। जी बिल्कुल तो अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपको पता होगा विच इज गुड। अगर आप अपने कंप्यूटर को ऐसा, भैया अगर जैसे आपने वो क्या कहते हैं सकर्म और कर्म कांड वाला जो चार्ट बना रखे, अगर आप ऐसा चार्ट बना दो, शरीर इंद्रिय इंद्रिय के ऊपर मन, मन के ऊपर इंटेलेक्ट माइंड बुद्धि, उसके ऊपर आत्मा वाला चार्ट बना दोगे, जी
जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बुद्धि के पास है, आपको दोनों चीजें ज्ञान के बाद पता चल जाएगी ये सही है ये गलत है। उसके बाद भी अगर आप गलत करोगे तो मतलब आपका मन आपके हावी हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम ऋषि से पूछते हैं कि ऋषि आपको कैसा लगा, अविनाश ने जो बात करी बुद्धि के लिए, आपका कोई रियलाइजेशन इस बारे में, आप मानते हैं ऐसा है? जी है जी, मुझे क्या कहते हैं, मेरा भी मतलब ऐसा ही सोचना है कि जैसे अभी पूरा चार्ट डिस्कस किया भैया ने के मतलब सबसे मतलब मन से ऊपर हमारी बुद्धि आती है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो अगर हम मतलब बुद्धि का टोटल यूज तभी कर सकते हैं जब हम इंद्रियों पे अपने कंट्रोल कर सकें। अगर हमारी इंद्रिया हमारे बुद्धि से ज्यादा, जैसे आपने भी उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि घोड़ों का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम क्या कहते हैं घोड़े को इंद्री की तरह मतलब अगर हमारा घोड़ा अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो हमें कहीं भी ले जाएगा। तो सेम वही चीज है कि अगर हम इंद्रियों पे अपने कंट्रोल कर पाए तो हम डेफिनेटली अपने एम की तरफ जा सकते हैं, जहां हमें जो सकर्म करने हैं उस तरफ हम तभी जा सकते हैं अकर्म की तरफ, जब हम अपनी इंद्रियों को जितना हो सके उतना कंट्रोल कर सके। बहुत अच्छा ऋषि, आपने बहुत अच्छा कहा। लेकिन यही चीज़ जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ये तो हम बहुत मुश्किल है, ये तो ऐसा लगता है कि जो हवा चल रही है इसका वेग में रोक सकता हूँ, लेकिन इंद्रियां ऐसा लगता है कि बलपूर्वक आपको गलत काम करने में लगा रही हैं। कि मतलब आपका तो मन है ही, लेकिन ऐसा लगता है कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, बाहर से ही कोई चीज़ ऐसी है जो बलपूर्वक आपको लगा रही है। ना तो भैया, फोर्स है तो सही, हमें पता है माया। जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद भगवान यही कहते हैं कि वो मेरी ही क्रिएट की हुई माया है, और तीनों गुणों के अंदर जो आपको घुमा रही है। तो बिल्कुल ऋषि, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा, और अविनाश भाई आपने जो कहा वो भी गजब कहा, कि बिल्कुल सही बात है, बुद्धि ही है। आपने जो एग्जाम्पल कहा कि जैसे बुद्धि बीच में है, और एक तरफ अगर हम माया को माने या सेंसेस को माने, और दूसरी तरफ अगर हम आत्मा को माने, आत्मा सत्चित आनंद है क्योंकि भगवान का एक अंश है, और सेंसेस जो है वो मटेरियल हैं और वो माया के अंदर ग्रस्त हैं, तो इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चलता रहता है, थोड़ा उधर थोड़ा उधर। इसको हम रादर देन हम ये टग ऑफ वॉर की तरह लें, हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आत्मा है वो एक शीशा है, एक बिल्कुल जैसे नया आपने शीशा लिया है, और उसके ऊपर जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की वजह से वो डर्टी हो गया है सिर्फ। तो वो डर्ट डर्ट बस हमको हटानी है। अगर हम वो ऊपर की डर्ट हटाते हैं तो जो नीचे है वो आत्मा रिफ्लेक्ट करेगी, बस इतनी सी बात है। और क्योंकि वो हमेशा है आपके साथ, और इसी को हमारे उपनिषदों में बहुत अच्छे से ब्रह्मन कहा है कि आपको कुछ करने की अगर ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कि आप अज्ञान के अंदर ढके हुए हो। जैसे कि सूरज हमेशा है, सूरज कुछ नहीं कर रहा, सूरज है, बीच में बस बादल आ गया। अब बादल को आप किसी तरीके से हटा दो, या ऑब्वियसली आप खुद हट के ऐसी जगह चले जाओ कि बादल ना हो, तो सूरज तो है ही और सूरज तो था ही। ऐसे ही भगवान हमेशा है, और ऐसे ही भगवान का जो अंश वो आत्मा हमारे अंदर है वो हमेशा है, और वो सत्चित आनंद है, वो कल भी थी आज भी है और वो कल भी रहेगी, वो आत्मा हमेशा है। सिर्फ हमको ये करना है कि अज्ञान का पर्दा हटाना है, और अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत टेंशन और स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि टग ऑफ वॉर जो है उसके अंदर हमको ऐसा लगता है जैसे ऋषि ने कहा कि भाई आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो जहाँ कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पे हमेशा रिस्ट्रिक्शन की बात आती है। कंट्रोल अगर आप किसी भी चीज़ को करोगे तो वो जिस भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो अपनी इंद्रियां हो, चाहे वो अपने छोटे भाई बहन हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे बीवी हो, चाहे हस्बैंड हो, या कोई भी जैसे गुब्बारा है वो फूलने की कोशिश कर रहा है, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो
तो कंट्रोल जब होगा तो ऑटोमेटिकली है कि फिजिक्स के अंदर जो लॉ आता है कि इक्वल एंड अपोजिट उसका रिएक्शन होगा ही होगा, तो इसलिए हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम उसको इंगेज करना चाहते हैं। अगर हम इंगेज करेंगे तो सारा स्ट्रेस खत्म, कि कंट्रोल नहीं करना सिर्फ इंगेज करना है। जैसे कि शिवानी को अगर कलरिंग पसंद है तो हम इनको अपने कृष्ण भगवान की और राधा जी की देते हैं कलरिंग करने को, तो ये वो कलर करती हैं, तो इनके दिमाग में वही चलता है। तो ये अगर स्टोरी सुनेंगी और उन्हीं की सुनेंगी भगवान की, तो ये बातें भी करेंगी तो वही करेंगी। और अगर आप सोच के देखें तो हमारे बचपन के अंदर और हमसे भी पहले जब बच्चे खेलते थे तो वो भगवान राम कृष्ण और सीता, इनका जैसे हमारे यहाँ पे जो होती भी थी, अभी भी होती है, जो नवरात्रों पे रामलीला होती है, घरों के अंदर भी बच्चे यही खेलते थे। और थोड़ा पुराना चले जाएं, आजकल बच्चे क्या खेलते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, क्योंकि देखते ही वही हैं, भगवान तो खत्म हो गए घरों के अंदर से, बचे तो गुड्डा और गुड्डी हैं बस, माँ बाप, गुड्डा गुड्डी जो बॉयज गर्ल्स नहीं, मम्मा मम्मी, यही गेम खेलते हैं बच्चे सारे। मैं दुबई में था तब भी वही खेलते थे अपने बच्चे और दूसरे भी। मैं फ्रांस में गया तो फ्रेंच बच्चे से मैंने पूछा, तो उन्होंने फ्रेंच आदमी से पूछा तो उनके दो लड़कियां थी वो भी यही खेलती थी, या इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश बच्चे हैं वो भी यही खेलते हैं। मैंने कहा ये गजब की बात है। फिर अपने नीस और नेफ्यू हैं वहाँ पे, वो उनसे मैंने पूछा तो वो भी वही खेलते हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ये तो ग्लोबल फिनोमिना हो गया कि बच्चे हर जगह वो एक ही गेम कैसे खेलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सारी मेंटालिटी हर जगह यही होती जा रही है। तो अगर हम इस तरीके से रखें तो ये बेसिक्स हैं। जैसे योगेंद्र ने कहा कि भाई सारी जगह बार बार इंद्रियों की बात करी जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हम खुद अपने आप को वो चीज़ बार बार रिवाइज कराएं, और तब तक रिवाइज कराएं जब वो हमारे लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ना आ जाए। उसके बाद जैसे अगर आप ये कहें तो एक बात आती है कि हमको बुद्धि से भी परे जाना है, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा। अगर हम इस चीज़ को लें तो इसके अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि से भी परे जाना है, यानी सत्गुण से भी परे जाना है। और वो कब होगा? वो तब होगा जब हम आत्मा को पहचान लेंगे। और वो कैसे होगा? वो होगा धीरे 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 एसोसिएशन के अंदर रह के वो चीज़ होगी। तो चलें, अगर तात्पर्य में और कुछ नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक जो चीज़ हमने कही थी अभी कि अब 21 से 24 हम ये बात करेंगे वो इंसान कैसा काम करता है, जो ज्ञानी और निष्काम कर्म योग करेगा वो कैसा काम करता है। चार उसके बाद आएगा कि वो कैसे सेक्रीफाइसेस करता है, कि वो ऐसे कर्म करने के लिए तैयार कैसे होता है। तो वो हमारे लिए मेन चीज़ रहेगी कि प्रैक्टिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम उतारे कैसे, कैसे उतारें। तो अब हम आगे चलते हैं 21 से 22 में, लेकिन अगर तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं आप। ओके चलिए हम 22वां पढ़ते हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में ही स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो हमने कहा कर्म से बंध कौन जाता है? जो फल की इच्छा करता है। कैसे फल की वो होगा? अगर फल मिल जाएगा तो खुशी में बंध जाएगा, राग में बंध जाएगा, और फल नहीं मिला तो और द्वेष के अंदर हो जाएगा, और उसको ना मिलके किसी और को मिल गया तब तो जेलसी मैनिफेस्ट होके एनवी बन जाएगी। इंग्लिश में वर्ड है जेलसी और एनवी। जेलसी है द्वेष और एनवी है, एनवी का भी कोई हिंदी का है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि अगर किसी को कोई आपको पसंद नहीं है, उसके प्रति आपने दिल में सोचा यार उसको मर्सिडीज़ मिल गई, मेरे को क्या मतलब खटारा मिली, उसकी अच्छी जॉब है, मेरे को क्या जॉब है, ये आपने मन में सोचा, तो ये आपका जेलसी हो गई। लेकिन इससे ऊपर जो है वो द्वेष, वो एनवी क्या हुई? जब आपने कोई एक्शन ले लिया उसकी वजह से। अगर मन में जो था
उसकी वजह से आपने वर्बली कुछ कह दिया या आपने फिजिकली कुछ कर दिया, जैसे कि उसकी BMW के अंदर स्क्रैच मार दिया, राइट, या उसकी जॉब के प्रमोशन के अंदर बीच में कुछ फंसाने लग गए, तो वो जो चीज़ है वो एनवी हो जाती है। तो यहाँ पे बता रखे हैं कि ये चीज़ें हैं जो हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम काम तो फिर भी कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं और हम बंधेंगे नहीं, क्योंकि हमने कर्म किया, हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई नहीं। और कई बार आपको आपके घर में ही ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे बड़ा सोला माला करता है और फिर भी जॉब चली गई, या फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ, या फिर भी ये हो गया और वो हो गया, या कुछ भी। देखा, भगवद गीता पढ़ता था और ये हो गया और वो हो गया, या रामचरितमानस पढ़ता था ये हो गया, भगवान का बड़ा नाम लेता था ये हो गया और वो मिल गया। तो वो सारे के सारे एक तरीके से आप कहें कि वो टीचर्स हैं आपके, क्योंकि वो आपको मौका दे रहे हैं कि किस भाई वो तरीके टीचर्स है या मंत्र है, हमारी इंद्रियों को हमें भटका के भगवान से अलग, हाँ भाई ये सही कह रहे हैं, हाँ मैं भगवान से दूर हो जाता हूँ पढ़ना, मेरे को तो लगता है मंत्र है। ये भाई, अगर आपका कॉन्शियस लेवल एक लिमिट से कम है तो वो आपके लिए मंत्रा है, अगर वो आपके ऊपर हावी हो गई तो मंत्रा है, और अगर वो आपके ऊपर हावी नहीं हुई तो वो टेस्ट लेने आई थी, माया थी बस। आप उसमें मंत्रा नहीं देखोगे, आप उसमें कहोगे ये तो मटीरियल नेचर है जो तीन होते हैं और उसकी वजह से ये कोई एक्ट कर रहा है और ये सिर्फ माया टेस्ट ले रही है बस। ना आपको उस इंसान से द्वेष होगा, ना आपको ये होगा, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कलयुग के अंदर तो लोग करेंगे ही ना, कलयुग के अंदर धोखा नहीं देंगे तो कौन से युग में धोखा देंगे। लेकिन उसकी वजह से आपको कुछ नहीं करना। हाँ, वो बात अलग है कि भाई वो आपको बार बार धोखा दे रहे हो और बार बार आप उनके ऊपर विश्वास कर रहे हो, वो तो नहीं करना। लेकिन हाँ, कोई आपको धोखा दे रहा है और आप बार 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 धोखा खा रहे हो तो ये आपके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो कलयुग के अंदर वो ऐसे ही काम करेंगे। और टीचर क्यों कहाएंगे? क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कौन करता है? टीचर करते हैं। क्वेश्चन देंगे आपको, टेढ़ा सा क्वेश्चन देंगे, आपको उसका सही आंसर ढूंढना है उसके अंदर से, एनालिसिस करके कि अच्छा इसका ये हो सकता है। वो छुपाने की कोशिश करेंगे आंसर को, आपको उसके अंदर से निकालना है। तो माया है, सब कुछ माया है। जब कोई इंसान बुद्ध बनता है तो जो सबसे आखिरी में उसके लिए टेस्ट आता है वो यही आती है कि उसको कहते हैं भगवान आप ही हो, आप ही को भगवान बना दिया। ये बुद्धिज्म के अंदर बहुत आता है कि बुद्धा, जब बुद्धा बनने वाला होता है कोई, या जैसे गौतम बुद्धा बनने वाले थे, तो सबसे आखिरी में जो माया आती है, और उसका भी कोई नाम है, उस वो उनका कोई अपना बुद्धिस्ट में नाम है, कोई है माण करके शायद कुछ कहते हैं, उस वो यही आके कहती है कि आपको मैं सब कुछ दे दूंगी क्योंकि आप ही भगवान हो, भगवान ही आप हो। तो जब इंसान ये मान लेता है हाँ बात तो सही है, मैंने ही सारी खोज करी है, मैं ही इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, तो मैं ही सबसे ऊपर हूँ, तब इंसान बंध जाता है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, और हमको अगर कोई टीचर ढूंढना है तो उसके अंदर भी नहीं होने चाहिए। अगेन, ये टीचर वो है जो दीक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु तो वो भी हो सकता है जो बता रहा है कि भाई मेरे, मैं भी अभी ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन भगवद गीता में लिखा है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी करता हूँ अभी, लेकिन ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। वो शिक्षा जो आपको दे रहा है सही दे रहा है, वो बात अलग है कि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो आपको झूठ नहीं बोल रहा, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है मेरे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, राइट। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ऐसा कोई इंसान होगा जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है या ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बुरी चीज़ें नहीं हैं और अच्छी चीज़ें, जब वो कहेगा तो कन्विक्शन और ज़्यादा होगी, असर और फ़र्क जो है वो आपके ऊपर और अच्छा पड़ेगा। लेकिन जो इंसान अच्छी बात बता रहा है, बेशक वो अच्छा कर्म ना कर रहा हो, मैं तो कहूँ कि वो भी आपका गुरु ही है, क्योंकि आपको अच्छे राह पे तो बता रहा है। ये वही हुआ कि ऐसे कि आपने आबू धाबी से दुबई जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मालूम, आपने खिड़की नीचे, वैसे वहाँ पे तो नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में जैसे करते हैं खिड़की नीचे करके पूछ लिया किसी से, और उस आदमी ने रास्ता बता दिया, भाई उस तरफ है रास्ता, वो आपके साथ बैठ के जा नहीं रहा, उसने अपनी ईर्ष्या द्वेष पूरा खत्म नहीं किया, लेकिन उसने ये बता दिया कि किस तरीके से खत्म होगा, तो वो भी आपके लिए सहायक है, उसको भी आप अपना गुरु कह सकते हो। तो इसके अंदर तात्पर्य में कोई बात हो तो बताना। रहेगा तो यही मेरे को समझ आया है कि योगी को कोई जलन नहीं होती, कोई लालच नहीं होती, जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाता है। संतुष्टि की बात कर रखी है, सफलता है चाहे असफलता है, दोनों में स्थिर रह के
कर्म करता है और उन कर्मों से कभी बंधता नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कभी नहीं बंधता क्योंकि डिजायर नहीं है, बंधने की डिजायर नहीं है। कुछ सफल हो जाए उसकी भी डिजायर नहीं है, कुछ असफल हो जाए उसकी भी डिजायर नहीं है, सिर्फ कर्म करते रहने की कोशिश है सिर्फ इसलिए। तो ये नेक्स्ट पे जाते हैं हम 23rd पे। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। राइट, अब ये क्या है, ये ब्रह्म की बात हो गई, जो ब्रह्मन की बात हम करते हैं ये उस ब्रह्म की बात हो गई कि भाई इस तरीके से वो ब्रह्म को रियलाइज कर सकता है। कैसे कर सकता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा वो। जो पुरुष प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के वो तीन गुणी हैं, सत्ययुग, रजयुग, से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया ये वाला श्लोक, बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं। हाँ, उससे ऊपर वैसे उठ सकते हैं कि सबसे पहले तो हमको अपने, हम कहते हैं कि जो हमारा तमोगुण है उसको हमें खत्म करना है, खत्म करना है, उसमें हमने लगना ही नहीं है। राइट, रजोगुण है वो हमें आजकल के टाइम पे चाहिए होता है, लेकिन हमको ये कंट्रोल करना चाहिए कि हमको कब रजोगुण का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना। जैसे कि भाई आपकी आवाज़ बहुत तेज है, लेकिन कब आपको चिल्लाना है, कब नहीं चिल्लाना। राइट, कभी कभी चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिल्लाने से ही कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गुस्से की वजह से नहीं चिल्लाएंगे आप, सिर्फ इस वजह से चिल्लाएंगे कि बच्चा कंट्रोल हो जाए। और सद्गुण ये है कि भाई आपको चाहिए कि सद्गुण आपका अंदर धीरे धीरे हर चीज़ों में सद्गुण आए, लेकिन सद्गुण वो है जब आप कॉन्शियस लेवल पे, विवेक है आपके अंदर, चेतना है कि आप ये सद्गुण कर रहे हो, आप एक तरीके से फोर्सफुली कर रहे हो वो काम, अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन फोर्सफुली कर। जैसे मंदिर है, मंदिर जाना है यार, हर संडे मंदिर जाना है, मंदिर जाना सद्गुण है। ठीक, हाँ, अगर कोई पैशन के साथ जाता है तो वो रजगुण में आ जाएगा, लेकिन मंदिर जा रहा है और उसे वहाँ पे अच्छा लग रहा है और हर संडे के संडे जा रहा है, वो सद्गुण है। लेकिन हो सकता है एक स्टेट ऐसी आएगी जब संडे को अगर वो मंदिर नहीं गया तो उसे ऐसा लगेगा कि यार मंदिर नहीं गया, और ऐसा तो खैर किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन अब वो भावना से युक्त है इसलिए जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मंदिर जाना अच्छी बात है, इसलिए नहीं जा रहा, मंदिर में भक्ति है। या मंदिर की बात ना करें, हम सिर्फ पूजा पाठ की बात करें, कुछ लोग पूजा पाठ सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, आप उनसे पूछ सकते हो और उनके पास एक बहुत अच्छा आंसर भी होगा कि करना चाहिए। राइट, लेकिन जो लोग मुक्त होंगे, जो गुणों से ऊपर होंगे, उनके पास शायद कोई रीज़न ही नहीं होगा कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म है उनका, तो वो गुणों से ऊपर हो गए कि वो सोच के नहीं कर रहे हैं अब काम वो। और अक्सर हम देखें, जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चों को कोई प्यार करता है तो अक्सर वो गुणों से ऊपर उठ के करता है। वेल, आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है, रिश्तों में भी, चाहे वो जितना भी क्लोज का इंटीमेट रिलेशन हो, लेकिन यहाँ ये बात हो रही है कि आप उनसे बिल्कुल गुणों से, गुण जो है वो आपके ऊपर, उसके अंदर जो सद्गुण है वो भी आपसे काम नहीं कर रहे, वो भी काम नहीं कर रहे, आप नेचुरली काम कर रहे हो, अंदर काम कर रहे हो लेकिन नेचुरली, नेचुरली सोच के नहीं कर रहे हो कि हाँ ये अच्छा काम है मुझे करना चाहिए। जिसके अंदर कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे जिन लोगों को, जिन दूसरे बच्चों को दोस्त बनाएं वो अच्छे हों, है ना, कि कॉन्शियसली बच्चे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें। लेकिन फिर हो सकता है बच्चे के अंदर खुद ही ऐसा है कि बच्चा जिससे अट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अच्छा है, तो वो गुणों से ऊपर काम कर रहा है, कि वो उसके अंदर वो दिमाग नहीं यूज़ कर रहा, वो बुद्धि से भी परे हो गया है, वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हो रहा है कि वो मिल रहा है, प्रकृति के गुण, नेचुरल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मटीरियल मोड ऑफ नेचर, या फिर प्रकृति के जो तीन गुण है। ऐसा कुछ लगी, सेंस लगी कुछ अविनाश भाई? नेचुरली मतलब कि हमें दिखाने के लिए सद्गुण, भैया हमारे साथ गुण बनेंगे, मंदिर जाओ ना, वो जो नेचुरली हो जाएगी तो फिर उससे परे हो जाएगा, तीनों गुण से भी परे। बिल्कुल, जी जी, ऑटोमेटिक मोड,
हाँ तो जो जो मतलब तीनों गुण से परे हो जाएगा उसे मतलब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। जैसे मीरा तीनों गुण से परे थी, सुनना कि भगवान का नाम ले लिया, सात्विक गुण आएगा, सात्विक गुण आएगा, तो हरी हरी गली गली हरी गुण गाती चली, तो जी वो परे थी। अब थोड़ा हाँ, समझ में आना शुरू हुआ है। गॉट उनके उनके जो हस्बैंड थे मीरा जी के, उनको जब मीरा जी को निकाल दिया उन्होंने, तब उन्होंने उनके साथ कोई द्वेष थोड़ी ना किया था। और क्या उन्होंने जस्टिफाई भी करने की कोशिश करी थी क्यों निकाला था उनके हस्बैंड ने? क्योंकि एक मुसलमान आया था वहाँ पे और उन्होंने कहा था कि भाई मैं आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, और उन्होंने सबको प्रसाद देनी थी, उन्होंने उनको भी दिया और उनके अफवाह फैला दी, अरे ये तो मुसलमान के साथ में बैठती है राइट। लेकिन उनको तो कोई डिफरेंस ही नहीं था, जब उनके हस्बैंड ने निकाल दिया तो भी उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं था। फिर जब वो वहाँ चली गई, जब वो आए लेने के लिए, तब भी उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं था। पहले उन्होंने कहा नहीं देखो रहने दो, मैं वहाँ पे हूँ यहाँ पर हूँ, एक ही बात है, वहाँ पे मैं करूँगी, दिक्कत ही होगी आपको जैसे पहले हुई। उन्होंने कहा नहीं चलो चलो, उन्होंने कहा चलो चलती हूँ, मेरे को वहाँ पे भी वही कर रही थी, यहाँ पे भी यही कर रही हूँ, वापस ले जाओगे तो भी वही करूँगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अगेन इसके अंदर अगर हम उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे तो हमारे अंदर कोई एंजाइटी नहीं है, इस कोई स्ट्रेस नहीं है कि अरे हम ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे यार, हो क्यों नहीं रहा। भक्तों के अंदर ऐसी चीज़ बहुत होती है कि भाई वो कहते हैं जब माला लो ना तो रस आना चाहिए। अब जो माला करते वक्त रस नहीं आ रहा भगवान का, और यही बार बार ध्यान आ रहा है यार एक क्रिकेट में विकेट और उड़ गई होगी है, तो उस टाइम पे वो बाद में कहते हैं कि भाई हम वो जब पूछते हैं सीनियर डिवोटी से कि भाई वो रस आ नहीं आ रहा मेरे को, रस नहीं आ रहा, तो कहते हैं कि पहले हम जब साधना नहीं करते तो स्ट्रेस लेते थे मटेरियल चीज़ों का कि जॉब के अंदर प्रमोशन नहीं हो रहा या ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। अब हम साधना करते हैं और साधना के नाम पे स्ट्रेस लेते हैं, तो आइडिया साधना करने का नहीं है, आइडिया इन सारी चीज़ों को ये विकारों को दूर करना है। साधना तो सिर्फ साधक का एक माध्यम है, इन सारी साधनाओं को आप छोड़ सकते हो बाद में। पूजा करना अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, मीरा बाई जी कोई ऐसा थोड़ी ना था कि कोई पूजा करती थी, वो सारी चीज़ें छोड़ सकते हो आप अगर जब आप उनके परे हो गए हो तो। लेकिन जब तक नहीं हुए तो ये सारी चीज़ें मीन्स हैं, मंदिर जाना, पूजा करना, डेटीज के सामने बैठना, बातें करना या भक्तों के साथ में बैठना, कीर्तन करना। जब आपको एक बार रस आ जाता है तो इसमें कोई भी एक चीज़ जिसमें भी आपको रस आ जाता है फिर वो भक्ति है आपके लिए, या फिर जो कर्म कर रहे हो आप वो भक्ति है। लेकिन जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे और आप ये कहो मेरी कर्म ही मेरी पूजा है, तो फिर वो वही वाला एग्जाम्पल फिट होगा जो हमने पहले बात करी कि हम ऊपर से कुछ और कहते हैं और अंदर से हमें मालूम है कि हम सिर्फ इंद्रियों के बारे में ही सोच रहे हैं, है ना, कि हम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, रीजनिंग नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। तो चलिए अगर इसके अंदर कुछ हुआ मम्मी यहाँ यहाँ तो ऐसे हमको चीज समझ में आ रही है कि हमने पीछे के हमने श्लोक भी पढ़े हैं। हाँ थिंग इज सेम चीज आप किसी और को बोलो ना, उसको बात समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगी। फिर पता है कैसे होता है, हाँ जैसे ये कि चीज है जी आपने पढ़ा है ना, फिर क्या होता है इसको आप एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो, कई बार पढ़ते हो, फिर जब आप ऐसे लेक्चर सुनते हो तो जब जो अब ऑब्वियसली जैसे आपने पढ़ा मैंने पढ़ा, ये हम अपने कॉलेज में भी करते थे कि भाई एक चीज़ है तो वो कैसे, जैसे अगर आपको अगेन AME के अंदर हमने जो पहला पेपर पास किया था, दूसरा पेपर था शायद, दूसरा पेपर जो था उसके लिए काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स थी, तो वो आप टॉपिक पढ़ो तो एक बुक पढ़ लोगे लेकिन उसी टॉपिक के बारे में दूसरी बुक में क्या लिखा है आपको नहीं मालूम, है ना। लेकिन जब वो आप टॉपिक सारी बुक्स में से पढ़ लोगे अब आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो, किसी को चाहो तो समझा भी सकते हो, और फिर आप ये भी पूछ सकते हो भाई आप ऐसा क्यों मानते हो, वो बताएगा क्योंकि मैंने उस बुक में पढ़ा, कहते हाँ। लेकिन अगर आप दूसरी बुक में पढ़ोगे ना तो हो सकता है ये भी लिखा हो, जरा पढ़ के देखिएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे ऋषि ने कहा कि भाई इंद्रियों के परे होना चाहिए, तो क्योंकि ऋषि थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुए थे, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करी कि भाई हम इंद्रियों के परे अर्जुन को बड़ी दिक्कत हुई थी होने के लिए, नहीं हो पाए थे वो, तो कैसे उन्होंने फिर क्या जवाब दिया माया, तो फिर उस तरीके से फिर ये लॉजिकली सारा एनालिसिस होने लगता है ना, तो बहुत धीरे 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 सब सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल। लेकिन हाँ ये एक बार में नहीं होगा, एक बार पढ़ के नहीं होगा,
ऐसे रेगुलर हम पढ़ते रहेंगे, रेगुलर डिस्कस करते रहेंगे, फिर ये इसी क्वेश्चन के ऊपर, यकीन मानो कि एक ही क्वेश्चन बार 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 पूछते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, फिर उसी वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है, उस टाइम पे अलग समझ में आ रहा था, अब अलग समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच चेंज हो गई। तो लेकिन हाँ, अगर आप दूसरों की बात करोगे तो सही कह रहे हो आप कि भाई आपने पुराने पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, किसी को बीच में से एक उठा के बताओगे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अगर उसमें से कोई ये कहे कि भाई देखो उसमें तो लिखा है कि जो ज्ञानियों के लिए, जो कर्मियों के लिए सोने का समय है वो ज्ञानियों के लिए जागने का समय है, तो इसलिए जो कर्मी है वो रात को सोते हैं, तो हम ज्ञानी हैं तो हम रात को जगेंगे और रात को पार्टी करेंगे, या रात को हम टीवी देखेंगे या कुछ भी करेंगे, तो फिर आप उनको कह सकते हो कि भाई इससे पहले के जो वर्सेस हैं वो भी आप देख सकते हो, इसके बाद के जो वर्सेस हैं वो भी आप देख सकते हो। अगेन कोई बहस नहीं, लेकिन हाँ अगर कोई गलत धारणा में है, उसे गलत समझ में आया है, तो हम, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको बताएं, समझ में उसके आए या ना आए, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करना ही हमारा धर्म है, फल की इच्छा में करनी नहीं, ना मटीरियल रूप से, ना स्पिरिचुअल रूप से, ना भौतिक से, ना आध्यात्मिक से, है ना। सही जी, चलिए तो हम आगे का। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। जी अभी अभी पीछे हमने पढ़ा कि भाई वो अपने ज्ञान के अंदर, ज्ञान की ज्वाला में, ज्ञान की अग्नि में वो अपनी इंद्र तृप्तियों को, काम भावनाओं को, सबको जला देता है। तो यहाँ पे हवन और हवि की बात हो रही है, जो हवन कर रहा है और जो हवन हो रहा है वो सब आध्यात्मिक है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, पूर्णतः लीन कौन रहता है, वो रहता है जो कि हर इंसान, हर चीज़ उसके लिए भगवान से रिलेटेड है। वो सुबह उठता है तो भगवान का धन्यवाद, रात को सोता है तो भगवान का धन्यवाद, कोई अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ देखता है, तो हम बाद में देखेंगे चैप्टर 10 में, चैप्टर 16 में, कि भगवान कहते हैं कि सारी चीज़ें मुझसे ही उत्पन्न, तो वो देखकर यही कहता है भाई वाह, कृष्णा ने क्या बनाया है, राइट, क्या बनाया है कृष्णा ने, क्या खूबसूरती है। कोई अगर बहुत अच्छा इंटेलिजेंट काम अपन खुद करते हैं या कोई और करता है, भाई वाह कृष्णा ने क्या बुद्धि दी है। इस तरीके से जो भी श्रेय है वो भगवान को जाता है। आपका अपना, आपके दूसरी के साथ में अटैचमेंट खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं कि भाई वाह कितना इंटेलिजेंट है यार वो आदमी, तो वो आदमी खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान, तो वो एक ही अटैचमेंट आपकी रहती है भगवान के साथ में, आध्यात्मिक है वो सब कुछ। कर्मों में योगदान के कारण अवश्य ही आध्यात्मिक कर्मों में योगदान, तो ये धीरे धीरे जो कर्म आप कर रहे हैं वो मटीरियल नहीं होते, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल बनते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशंस हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम कुछ भी माने लेकिन हमारे अपने अंदर हमें मालूम है कि भाई ये जो सारे हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं, ये सब धीरे 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 गुस्सा धीरे 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 अपने आप ख़त्म होता चला जाता है। तो ये अगेन एक और बता रखा है, ये अगला अब थीम चेंज हो जाएगी अगले उससे, लेकिन तात्पर्य भैया मैं इस पे एक बार कुछ बोल रहा हूँ कि आप दोबारा से वो मेन स्क्रीन लाओगे तब बोलूंगा मेन श्लोक। हाँ जी बोले बोले। मेन श्लोक के अंदर ना संस्कृत लाइन में लिखा है भ्रम 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 भ्रम, ये चार बार भ्रम लिख रखा है, और ट्रांसलेशन में भी भ्रम भ्रम कितनी बार लिख रखा है, बट नीचे जो है ना वो हवन भ्रम ये इतनी बारी आया नहीं, तो मेरे को ये थोड़ा इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी गलत लगी। आपके हिसाब से ट्रांसलेशन आपको क्या लगती है? थोड़ी गलत लगी, तो मेरे को तो पता नहीं है, तो मैं दूसरी किताबों में जाके, वो गीता प्रेस और बाकी दूसरे लोगों की किताबों में जाके उसमें ये ट्रांसलेशन थी, जो यज्ञ में डाला यज्ञ का जो वो आता है गोल वाला कटोरा वो भी भ्रम है, हवन की सामग्री जो उसमें डाली वो भी ब्रह्म है, आहुतियां जो भी उसमें डाली अग्नि में वो भी ब्रह्म है,
यज्ञ करने वाला मनुष्य जो फल पाता है वो भी ब्रह्म ही है, मतलब कि रिजल्ट जो आएगा वो भी जो आएगा उसको एक्सेप्ट कर लो वो भी ब्रह्म ही है, भगवान ने जो दिया उसको एक्सेप्ट करो। तो जो यज्ञ में डाला वो ब्रह्म, जो हवन सामग्री लेकर आए वो भी ब्रह्म है, अग्नि के अंदर जो आहुति दी वो भी ब्रह्म है, और जो मनुष्य को यज्ञ के बाद जो फल प्राप्त हुआ उसे भी ब्रह्म ही कहा गया, उसका ये ट्रांसलेशन थोड़ा देखा। लेकिन जी बिल्कुल, अभी देखें जो चीज़ अभी हम कह रहे हैं और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट की बात होती है कि अगर हम संस्कृत संस्कृत को पढ़ें तो स्पेशली अगर कोई संस्कृत के अंदर स्कॉलर है तो वो हमें और अच्छे से बता सकता है कि भाई शायद इसमें क्या मतलब है। लेकिन ऐसा तो शायद नहीं है कि भाई जो यज्ञ है, हाँ ये ज़रूर है कि दो चीज़ें हैं, एक भ्रम, ठीक है, जो अभी हमने पिछले वर्सेस में भी देखा कि वो ऐसे ऐसे साधक की बात हो रही है जो कि अब वो तीनों गुणों के ऊपर उठ चुका है ना, तो ऐसे साधक की बात हो रही है, उसको भ्रम की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी हमने देखा, तीनों गुणों के ऊपर उठ जाएगा वो भी देखा, और उसके अंदर सारे के सारे अच्छे जो भी क्वालिटीज़ हैं वो होंगी, है ना, वो वर्सेस भी हमने देखे। तो इससे हमें पता लग रहा है कि पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ की बात हो रही है, राइट, पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ की बात हो रही है, ऐसी कहीं बात नहीं हुई कि भाई जैसे आपने कहा कि जो कटोरा है वो वाली जो चीज़ है वो प्रॉपर अद्वैत की ट्रांसलेशन है। तो कॉन्टेक्स्ट अगर आप लगाएं तो ओके गॉट इट, है ना, कॉन्टेक्स्ट समझ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, डाइवर्ट हो जाएगा नेक्स्ट। हाँ जी, तो तात्पर्य में और तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब हम देखेंगे 425। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो यज्ञ करना है, यज्ञ का मेन पर्पस जो होता है वो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का होता है, बट कुछ लोग जो क्षणिक सुख के लिए और भौतिक वस्तु की कामना के लिए जो इंद्र सूर्य और बाकी देवताओं की प्रसन्न करने के लिए जो आहुति डालते हैं वो थोड़े उनको थोड़ा क्षणिक सुखों में और वो थोड़ा अबुद्धे वगैरह टाइप उनको बता रखे, वो ज्ञानी नहीं है। जी बिल्कुल, इसको हम सिंप्लिसिटी में ऐसे ही मान सकते हैं कि विष्णु भगवान के लिए, ये हमारे ग्रंथों में सब में है, जो कर्म कांड हम जिनको मानते हैं वो सारे के सारे कर्म कांड जो है विष्णु भगवान के लिए हैं, क्योंकि विष्णु भगवान मुक्ति देते हैं ऐसा कहा जाता है, और कोई देवता ऐसे नहीं है जो कि मुक्ति दे सकें, विष्णु भगवान अकेले हैं जो मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए जो इंसान मुक्ति के लिए या मुक्ति को छोड़ भी दें तो सिर्फ धन्यवाद करने के लिए यज्ञ करता है, और पहले ऐसे यज्ञ होते थे कि सिर्फ आप क्यों यज्ञ कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई काम हो चुका है, राइट, ऐसा नहीं है कि आपको उस काम की आपने डिज़ायर की थी लेकिन वो काम भगवान ने प्रसन्न होकर कर दिया, तो भगवान को थैंक यू करने के लिए आप वो यज्ञ कर रहे हैं, तो एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी अगर हम अगेन कंटेक्स्ट देखें तो पिछले वाले जितने वर्सेज हैं और जो लास्ट वर्स है उसमें यज्ञ की बात हुई, यहाँ पर भी यज्ञ की बात है कि देवी देवताओं के लिए अगर हम यज्ञ करते हैं तो वो यूजली यज्ञ जो होता है उसमें यज्ञ पहले है, कामना कुछ मांगी जाती है कि भाई ऐसा करो तो ये मिलेगा, तो उस चीज़ के ऊपर बात करी हुई है कि आप देवी देवताओं, मतलब मेन देवी देवताओं को और भगवान को भी छोड़ दें तो मेन ये है कि आप अगर धन्यवाद कर रहे हैं तो सही है, आप कर्म भावनाओं में लिप्त नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई आप कर्म में बंध नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपका यज्ञ जो है वो दूसरी किसी भी वजह से है तो फिर दिक्कत है कि आप कुछ यज्ञ इसलिए कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं। अब ये यज्ञ दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो आपका जो नॉर्मल होता है फायर यज्ञ उसके बारे में एक बात हो सकती है, या जो यज्ञ हम बात कर रहे हैं कर्म योग के अंदर कि भाई ज्ञान योग में ज्ञान मिला और ज्ञान से क्या होगा, उस ज्ञान से कर्म ही करना है हमको, ज्ञान से हमें सिर्फ ये पता लगेगा कि कैसा कर्म करना है, राइट। तो यज्ञ को हम कह सकते हैं जो हम कर्म करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे बात करी
कर्मों के फल को उस ज्ञान वाली जो ज्योति है या उसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर जला देंगे। तो या तो हम इसे नॉर्मल प्रैक्टिकल रूप में कहें कि फायर जो हम करते हैं यज्ञ वैसे है, या फिर ये हमारे जो कर्म के ज्ञान, कर्म जो हमें ज्ञान से मिला उससे जो हम यज्ञ कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं बेसिकली, वो ऐसे हैं कि अगर हम सिर्फ थैंक यू करके या रिस्पॉन्सिबिलिटी करके, जैसे भगवान ने कहा अर्जुन क्षत्रिय हो इसलिए आपको कर्म करना है, यज्ञ की तरह कर्म करो और जो फल हैं उसको जला दो उस ज्ञान के अंदर जो मैं दे रहा हूँ आपको, फलों की इच्छा ना करो। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से इसको समझा जा सकता है। तात्पर्य में कोई चीज हो तो आप बताएं प्लीज। कुछ नहीं, यही था। ओके चलिए, तो अब ये यही बताया गया कि मैं स्टेबल की पूजा करो, बाकी जो सारे हैं अनित्य है, बाकी सारे नॉट स्टेबल है। देवी देवताओं के रूपों को अनिश्चित माना गया, नॉट स्टेबल माना गया, इसलिए बस जी। ये भी एक दूसरी चीज़ आती है, हम कहते हैं कैसे पता लगता है, ऐसे ही पता लगता है क्योंकि वो सारी पोस्ट हैं, लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जो कि पोस्ट नहीं है, भगवान एक ही हैं लेकिन बाकी सारे के सारे अंत होगा सबका। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी का भी अंत होगा लेकिन उसके फिर ऊपर भगवान ही है। तो ये 426 इसके अंदर इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी शौर्ण आदि क्रियाओं से तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रता रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिया विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो हमने बात करी कि जैसे कि पीछे 16 से 24, ये चैप्टर 4 के अंदर 16th वर्ष से 16वें वर्ष से 24वें श्लोक तक जो वर्ष हैं उसके अंदर कर्म को ज्ञान से कैसे करना है। अब 25 से लेके 33 तक जो हैं वो ये हैं कि कैसे हमको कर्म करने हैं, तो वो बता रखे हैं कि प्रैक्टिकल रूप से कैसे हैं। कि इन्होंने कहा है कि सुनकर श्रवण आदि क्रियाओं, तो आप सुने, आप अच्छा सुने, आप भगवान के बारे में सुने, जब भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं भगवान का म्यूज़िक सुने, तो ये एक इंद्री की बात है, लेकिन सारी इंद्रियों को इस तरीके से जैसे लिखा मन की नियंत्रता रूपी अग्नि में स्वाहा कर दें। जैसे अभी हमने पीछे ही बात करी कि कर्म जो है, कर्म के फलों को, और वो कैसे करेंगे फलों को, क्योंकि जो फल हमारी जो सेंसेस हैं वो सारी की सेंसेस कंट्रोल नहीं है, वो इंगेज हो रही हैं भगवान के कामों में, क्योंकि कान तो हैं सुनेंगे ही, लेकिन क्या सुनेंगे, कॉन्शियसली हम ये डिसीजन ले रहे हैं कॉन्शियसली। और दूसरे लोग जैसे वो, अब इसमें दोनों तरह लोगों की बात है, ब्रह्मचारियों की भी बात है, गृहस्थ की भी बात है। तो हमने बात करी थी कि चार वर्ण होते हैं और उसके साथ ही चार आश्रम होते हैं, तो इसमें चारों आश्रम का है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो आप जिस भी आश्रम में हैं उस आश्रम के हिसाब से आप अपने आप को भक्ति में लगा सकते हैं। तो गृहस्थ के अंदर है तो आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल के अंदर रखना है और उसमें रह के आपको क्या क्या करना है उस बारे में सारी चीज़ें बताएं। और कुछ हो तो बताएं, हम यहीं पे समाप्त करते हैं 26 पे, तो क्योंकि फिर आखिरी में फिर ख़त्म ही होगा 42। इसमें यही लिखा है कि पेशेंस जो है, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य भी एक अग्नि की तरह है, बिल्कुल, इच्छाओं को उस अग्नि, धैर्य रूपी अग्नि के अंदर जला देना चाहिए धीरे धीरे। अगर आप धैर्य रखोगे तो वो इच्छाएं अपने आप जल जाएगी, बस धैर्य को यहाँ पे अग्नि की तरह बता रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही। यही है कि हमने जैसे देखा कि इस चैप्टर के अंदर हमको वो क्वालिटीज बता रखी है जो हमको डिवेलप करनी है, और अगर हम किसी को गुरु मानते हैं तो उसके अंदर भी ये होनी चाहिए, है ना। अगेन ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे अंदर पूर्ण रूप से हो तभी हम इसका प्रचार करें, हम किसी को कह सकते हैं, कभी पूछे भी भगवद गीता में क्या है, तो हम कह सकते हैं भगवद गीता में एक अच्छा और एक बहुत ही आनंदमय जीवन के बारे में बता रखा है कि कौन इंसान हमेशा सत्यचित आनंद में रह सकता है, कौन रह सकता है जिसके अंदर ये गुण होंगे, ये गुण कैसे होंगे उसके बारे में भी बता रखा है।
तो क्वालिटीज बता रखी है और फिर इंद्रियों को कंट्रोल करना है या इंद्रियों को किस तरीके से लगाना है। अभी हम चौथे ही चैप्टर पे आप देखें तो बाकी हम जाते जाएंगे आगे, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी जहाँ पर हम हैं यहीं पर हम देखें तो हमको कैसे चैप्टर टू के अंदर समरी पता लगी, चैप्टर थ्री के अंदर कर्म करना जरूरी है वो पता लगा और कितने तरीके के कर्म है, चौथे के अंदर हमको ज्ञान पता लगा कि कर्म योग के बारे में सब बताने के बाद में अब समझो कि कर्म करोगे कैसे करोगे, अब इस कर्म से करके होगा क्या, ये सारी क्वालिटीज डेवलप होंगी। तो अब बाकी आगे हम धीरे 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 जब चलते जाएंगे तो हमको ऐसी पांचवा चैप्टर जो आएगा, हम कहते हैं कि चौथा चैप्टर कर्म के बारे में, पांचवा ज्ञान के बारे में, सॉरी तीसरा कर्म के बारे में, चौथा ज्ञान के बारे में, और पांचवा है जो इन दोनों को मिक्स कर देगा कि किस तरीके से हम करें कर्म जो कि पूरा का पूरा ज्ञान से लिप्त हो। तो दोनों चीज़ें हैं चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर में है, तो अगेन चैप्टर फाइव में हमें लगेगा अरे ये तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो सटलनेस बारीकी है उसके अंदर जिसके अंदर हम चलते चले जाएंगे, है ना। तो चलिए कोई बात हो तो बताएं, अदरवाइज हम यहीं पे समाप्ति करते हैं और ठीक है कल यहीं से शुरू करते हैं भाई, इसको और डिस्कस करेंगे ठीक है ना। अच्छा भावार्थ कल हम पूछते हैं इसका, चलें ठीक है भावार्थ को हम कल डिस्कस करते हैं यहीं से 426। ओके बाय बाय, हरिओम। ओके हरे कृष्ण हरिओम।